आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना फ्रांस का वीज़ा भी अप्लाई किया होगा कुछ दिनों पहले, और हो सकता है आपका डिसीजन आ भी चुका हो, आई थिंक 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ज़्यादातर वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं फ्रांस के, तो पॉसिबल ये भी है कि आपका रिफ्यूज़ हो चुका हो, और रीज़न ये भी पॉसिबल है कि वो रीज़न लगा हुआ है जस्टिफिकेशन पर्पस, जो लाइक आपका इंटेंशन डाउटफुल है आपके ऊपर वीज़ा ऑफिसर को, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सही हैं, आपका पर्पस वेरीफाइड है, आपके बिजनेस प्रूफ्स ओके हैं, आपका पुराना ट्रैवल हिस्ट्री ओके है, मतलब किसी भी तरह के कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डाउट नहीं है वीज़ा ऑफिसर को, लेकिन आपके फिर भी एक उनके दिमाग में एक चीज़ ये बैठी हुई है कि आप वापस नहीं आओगे अगर आप इस ट्रिप पे जा रहे हो। तो 10 नंबर के कॉलम के ऊपर एक क्रॉस टिक लगा होता है अगर आपका जस्टिफिकेशन ऑफ द पर्पस का ये लगा हो, रिफ्यूज़ल का मेन रीज़न। इसके बाद क्या करना चाहिए, आप ये सोच रहे होंगे कि रिफ्यूज़ तो आपका हो चुका है और पर्पस ऑफ विजिट के ऊपर ही डाउट है, तो देखिए आप इसके बारे में सेकंड अपील करने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी रीफाइल दोबारा कीजिए, एक बार दोबारा से फाइल लगाइए, उसमें आप अपनी कवरिंग लेटर में ये मेंशन कीजिए कि अगर वीज़ा ऑफिसर को कोई हमारे पर्पस पे डाउट है कि हम इस पर्पस पे जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे, तो वीज़ा ऑफिसर उनके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, थ्रू द टेलीफोन हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है, या एम्बेसी में बुला के हो सकती है। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन लगे हैं उसके बाद भी आपका वीज़ा नहीं आया हुआ, आपको खुद को आप सेटिस्फाई नहीं हो इस रिफ्यूज़ल से, तो भाई आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, आप दोबारा से वीज़ा ऑफिसर को कन्वेंस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत लगा हुआ है तब तो आपकी पूरी प्रोफाइल जो है वो बर्बाद हो चुकी है, लाइक आपका बिजनेस गलत लगा दिया एजेंट ने, लाइक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जाली लगा दी, आपका बैंक बैलेंस खराब लगा दिया, किसी भी तरीके से कोई भी अगर गलत डॉक्यूमेंट लगा चुके हो ना, तो आपकी पूरी प्रोफाइल यूरोप के लिए ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आपके बायोमेट्रिक जैसे ही आपने दिए हैं वैसे ही सारे देशों में वो सर्कुलेट हो चुके हैं। जब भी आप किसी और कंट्री में भी अपना अप्लाई करेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट के कारण रिफ्यूज़ हुआ है कोई, तो पॉसिबल है कि दोबारा आपको वीज़ा मिलने के चांस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर भी आपका रिफ्यूज़ हो चुका है पर्पस के कारण सिर्फ, कि जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस उसके ऊपर डाउट है आपकी इंटेंशन को लेके कि आप वापस नहीं आएंगे, तो वीज़ा ऑफिसर की आप इंटेंशन जो आपके ऊपर डाउटफुल पड़ी हुई है आप उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आप आईफिल टावर देखने के लिए पेरिस जाना चाहते हो और नियर बाय एम्बेसी में आपने अप्लाई करना है तो फ्रांस एम्बेसी लगती है, तो आप भाई फ्रांस में ही अप्लाई कर पाओगे, आप फ्रांस में ही अप्लाई करोगे क्योंकि आपने आईफिल टावर देखना है। अगर आपने घोड़ों की रेस देखनी है तो आप ऑस्ट्रिया की एम्बेसी में अप्लाई करोगे। अगर आपने लाइक कोई फर्नीचर के बारे में आपकी एग्जीबिशन ऑस्ट्रेलिया में है तो डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करोगे। अगर आपने बहुत सारे सुंदर सुंदर जैसे लाइक पार्क्स देखने हैं, पहाड़ देखने हैं, आपने बहुत सारे जैसे जिसको हम ऑब्वियसली बात है स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं, भाई स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, अगर ऐसे ऐसी प्लेसेस विजिट करनी है ग्रीनरी के साथ भरी हुई तो आप स्विट्ज़रलैंड ही जाओगे, तो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी में आप अपना अप्लाई करोगे। ऐसे ही वीज़ा ऑफिसर अगर आपको फ्रांस का वीज़ा पहली बार नहीं देता है तो आपने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के उसमें लिखा हुआ है कि आपने पेरिस में ये चीज़ देखनी है, फ्रांस में यहाँ पे घूमना है, सडनली आपका वीज़ा नहीं लगता है, उसके बाद में आपने कंट्री शिफ्ट करके किसी और कंट्री में ट्राई करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो दूसरी कंट्री भी आपको वीज़ा नहीं देगी क्योंकि इंटेंशन आपकी डाउटफुल हो गई है उसी टाइम से जिस टाइम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। यही चीज़ आपको समझाने की बात मैं पहले पिछली वीडियोज़ में भी कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ। अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं तो फ्रांस ही जाना चाहते हैं, और क्यों जाना चाहते हैं उसके बारे में आपने वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। उसके लिए आपने वीज़ा ऑफिसर को कन्वेंस करना है कि अगर उनको कोई डाउट है आपकी कवरिंग को लेके, आपके ट्रिप को लेके, तो डेफिनेटली वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें, आप इंटरव्यू में उनके डाउट क्लियर करें ताकि आपको वीज़ा मिल सके। अगर सेकंड टाइम भी आपका वीज़ा नहीं मिलता है तब आप अपील 100% डालिए, अपील में आपका वीज़ा ज़रूर मिलेगा क्योंकि अपील में पॉसिबल होता है कि आपकी इंटरव्यू हो। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आपका रीअप्लाई के बारे में क्यों कह रहा हूँ कि एक बार रिफ्यूज़ हुआ तो सेकंड टाइम रीअप्लाई करें, अपील में मत पड़े, वो इसीलिए आपका टाइम बचेगा, अपील को लॉन्ग टाइम लगता है क्लियर होने में, और रीएप्लीकेशन का जो डिसीजन है वो विद इन 10 to 15 days आपका रिसीव हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपील डालने से बजाय पहली बार अगर आपका रिफ्यूज़ हुआ तो सेकंड टाइम आप उसी एम्बेसी में दोबारा ट्राई कीजिए, नए डॉक्यूमेंट्स के साथ, मतलब कि नई कुछ चेंजेस के साथ वीज़ा ऑफिसर को कन्वेंस करने की कोशिश कीजिए। लाइक कवरिंग लेटर में आप नया कुछ ना कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं बिजनेस के डॉक्यूमेंट छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंकिंग छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी के साथ कोई हेरफेर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम के साथ कोई हेरफेर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ आपने वही जेन्युइन लगाना है जो आपने पहले अपनी प्रोफाइल में लगाया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप कवरिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देंगे तो पॉसिबल है कि वीज़ा ऑफिसर आपको नेक्स्ट टाइम वीज़ा जरूर दे देगा। अगर मैं बात करूँ कि रिफ्यूज़ल का हाई रेट कब होता है,
तो रिफ्यूजल का हाई रेट कब देखा जाता है? जब उनके पास लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है एम्बेसी के पास, उनके पास राइट चॉइस है किसको वीज़ा देना है, और रॉन्ग चॉइस उनके पास ये है किसी टाइम पे कि कोई अच्छा बंदा होता है वीज़ा लेने वाला, उसको भी रिफ्यूज़ कर देते हैं इसी चक्कर में। कोटा सिस्टम बोल सकते हैं इसको हम, कि लाइक आपको 10 बंदे अप्रूव करने का परमिशन दिया जाता है, 20 बंदों में से 10 बंदों को आपने वीज़ा देना है, तो आपने अगर 10 बंदों को पहले ही वीज़ा दे दिया तो बाकी के 10 बंदे तो रिफ्यूज़ ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये पॉसिबल है। एक कंट्री की रेशियो होती है कि वो देश कितने लोगों को बुला रहा है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। अब सारे लोग क्रिसमस पे अप्लाई कर रहे हैं, नए साल पे अप्लाई कर रहे हैं, और आजकल तो ये हालात हो रखे हैं कि फ्रांस की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, नवंबर के एंड की अपॉइंटमेंट है अगर आप आज की डेट में अप्लाई कर रहे हो, और हो सकता है जब तक आप अपना प्लान करो तब तक 10-12 दिन और आगे निकल जाएं और आपका ट्रिप तो स्पॉइल हो गया। फिर तो आप अप्लाई करने के लायक भाई बचे ही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से लगाइए आप अपनी फाइल को, आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपकी शेंगन से पहले ही ट्रैवल हिस्ट्री है, रह चुकी है किसी यूरोपियन शेंगन कंट्री में, तो पॉसिबल है आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। रिफ्यूज़ल के चांस आपके बिल्कुल डाउन होंगे और वीज़ा के चांस आपके बिल्कुल अप होंगे। लेकिन अगर आपकी पहले शेंगन में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सॉलिड कीजिए, जिसमें आप अपना बैंक बैलेंस एक बढ़िया तरीके से दिखाइए, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, लाइक आपकी 5 लाख की अगर रिटर्न है तो 5-6 लाख आप अपना बैंक बैलेंस भी दिखाइए, ओके है। ये नहीं कि 20-25 लाख बैंक बैलेंस दिखा दिया और रिटर्न आप अपनी 5 लाख की भर रहे हैं, ये भी नेगेटिव होने वाली चीज़ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बारे में भी। इनकम और बैंकिंग दोनों का आपस में सही से मैयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वीज़ा लेने के लिए। इसके अलावा आप बिजनेस जो कर रहे हैं, या आप अपनी जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी है जो भी रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं। अब ज़्यादा डिटेल की जानकारी जो है एक ही वीडियो में देना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 4-5 लाख बैंक बैलेंस, 4-5 लाख की ITR रिटर्न और अच्छा बिजनेस, इसके अलावा प्रॉपर्टी आपके नाम से, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 20-25-30 लाख का कुछ ना कुछ अगर है तो इंडिया में एज अ टाइज दिखाने के लिए, इकोनॉमिकल एस्टैब्लिशमेंट हम इसको बोलते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज़ के लिए आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के भ्यापे आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हो। और ट्रिप को कंफर्म जो है आपको लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन फुल पेड लगाना ज़रूरी नहीं है। ट्रिप आपका कंफर्म होना चाहिए, ना कि पूरे का पूरा पेड होना चाहिए। फ्लाइट आइटनरी आप लगा सकते हैं, नॉट अ फ्लाइट कन्फर्मेशन। आपने 100% कन्फर्मेशन नहीं देनी है शेंगन में, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने पहले ही बोला कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है। तो आप 100% आप अपने बारे में वो क्वेरी को आप इस तरीके से देखिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही से कंफर्म करके लगवाइए, ना कि फुल ऑफ पेड करके लगाइए। सिर्फ कंफर्मेशन होनी ज़रूरी है। बाकी और ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करके आप यहाँ पे आके मेरे से मिल सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइल मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी एक बार आप मिल लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स, एक अच्छी जानकारी, और हो सकता है वो जानकारी आपके लिए जो एक लाइक आप जैसे चाहते हैं उस तरीके से एक बढ़िया साबित हो पाए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच।